इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में कोरोना के दो नए वेरिएंट्स की पहचान। यह टॉपिक जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस खबर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम खबर पर नजर डालेंगे, वायरस के बारे में जानेंगे, फिर नए वेरियंट्स के बारे में जानेंगे, चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये देखेंगे, आगे की राह क्या हो और एक प्रश्न लेंगे। आइए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। हाल ही में भारत में कोरोना के दो नए और अधिक घातक वेरिएंट्स की पहचान की गई है, जिन्हें विशेषज्ञों ने सुपर इन्फेक्टिव घोषित किया है। एक ओर जहां देश में महामारी की दूसरी लहर अब कुछ धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ये वेरिएंट्स चिंता का विषय बन रहे हैं। आइए अब वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस गैर सेलुलर यानी गैर कोशिकीय होते हैं, जिनकी विशेषता जीवित कोशिका के बाहर एक अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है। वायरस बाध्यकारी परजीवी हैं। एक बार जब ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तो खुद को रेप्लिकेट करने के लिए मेजबान कोशिका के तंत्र पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते। अब आइए नए वेरियंट्स के बारे में जानें। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलकर और ख़तरनाक होता जा रहा है और आए दिन इसके नए वेरियंट्स सामने आ रहे हैं। एक और देश भर में एक दिन में 86,000 से ज़्यादा मामलों की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बीते 66 दिनों में सबसे कम है, तथा 24 घंटे की अवधि में कोविड-19 के नए मामलों में 97,000 से ज़्यादा की शुद्ध गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 मामलों में मृत्यु दर कम हुई है और रिकवरी रेट सुधर कर 94.29% हो गया है। समग्र रूप में देखें तो भारत रिस्टोरेशन की दिशा में बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। देश के इन 5 राज्यों में नए मामलों का हिस्सा 65.9% है। महामारी से इस लड़ाई में अब इन्हें नए वेरिएंट्स के रूप में छिपी नई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से 2 को सुपर इन्फेक्टिव घोषित कर दिया गया है। इनमें से पहला वेरिएंट है N440K। यह पहली बार गुजरात में इस साल जनवरी के महीने में सामने आया था। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रसार देश के अन्य राज्यों में भी दिखाई देने लगा। हाल ही में एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के मुताबिक इस नए वेरिएंट के टेस्टेड सैंपल्स में से 50% तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में रहे। N440K किसी अन्य स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक क्षमता रखता है। साथ ही यह अपने वाहक में अधिक तेजी के साथ प्रवेश कर सकता है और खुद को तीव्रता के साथ रेप्लिकेट कर सकता है। इस रोग के लक्षण 3 से 4 दिन में खतरनाक रूप ले सकते हैं। दूसरा वेरिएंट है B11282। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा यूके और ब्राज़ील से भारत आए यात्रियों के सैंपल में इसकी पुष्टि की गई थी। यह इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने वाले व्यक्ति का वजन कम हो सकता है। इस वेरिएंट में कई खतरनाक लक्षण जैसे वजन कम होना, श्वसन मार्ग में वायरल प्रतिकृति यानी वायरल रेप्लिकेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेफड़ों में घाव हो जाना तथा फेफड़ों की गंभीर विकृति हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों वेरिएंट्स को बहुत खतरनाक माना जा रहा है। आइए अब चुनौतियां देखते हैं। भारत की बड़ी आबादी इस मामले में एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते इस संदर्भ में किसी भी वायरस के प्रसार में आसानी के साथ तीव्रता आ सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले साल से भारत कोरोना की मार झेल रहा है, उसे देखते हुए देश की स्वास्थ्य अवसंरचना बिखर गई है और अब इतनी बड़ी आबादी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बन गई है। दूसरी तरफ लोगों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण भी सही तरीके से इससे निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की राह क्या हो? हालांकि देश आर्थिक रूप से सुधार के पथ पर अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है, फिर भी अभी ज़रूरत है कि इस महामारी से बचाव के उपायों को अपनाए रखा जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग सरकारी नियमों का सही तरीके से और पूरी तरह पालन करते रहें। इसके अलावा सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प है, इसलिए सरकार सामाजिक संगठनों तथा लोगों को सही दिशा निर्देशों का प्रसार करना चाहिए। आइए अब प्रश्न देखते हैं। भारत में कोरोना कहर के कम होते मामलों के बीच इसके नए वेरिएंट्स ने नई चिंता पैदा कर दी है। इससे संबंधित पूरी स्थिति का आकलन कीजिए।